कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा, ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ है, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीजें की जरूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए। मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। जो पढ़ने में ठीक है बच्चे, उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो भी CST SC के जो लोग थे, बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए, इसे रेल के अंदर, रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को, चतुर श्रेणी कर्मचारियों को खत्म कर दिया गया, ग्रेड खत्म कर दिया गया, बहुत सारे पद खत्म कर दिए गए। हमारे ST SC OBC के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जाकर के कंपटीशन में बैठते थे, उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे, तो कम से कम चतुर श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे, उनका परिवार आगे जाकर के अच्छा हो जाता था, वो अपने बच्चे को पढ़ा करके IAS बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मोची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को, और एक IAS के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहां से मेरा बच्चा पास होगा? यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। ये कॉर्पोरेट का सिस्टम है, कॉर्पोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपए का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनऑथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जांच किया, तमाम सारी चीजें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनऑथराइज लोग थे, वो भी हमारे देश के लोग थे। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा।